नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र दूसरे भाव का स्वामी बनकर कुंडली का मारक बनता है और चंद्र का लग्नेश बुध के साथ शत्रुता का संबंध है, इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा को शुभ नहीं मानते। और डीप में जाते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी चंद्र की महादशा आती है तब दूसरे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और चंद्र के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है, कुटुंब का सुख, धन का सुख, व्यक्ति की वाणी कैसी है, बैंक बैलेंस कितनी है, ये सब देखा जाता है। चंद्र कौन सी चीजों का कारक है, चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, यात्रा का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। तो जब भी चंद्र की महादशा आती है तो दूसरे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है, चंद्र के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। और स्टेप अंदर जाते हैं, चंद्र दूसरे भाव का स्वामी बनकर जो भाव में बैठा होगा उस भाव के द्वारा फल मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल कि दूसरे भाव का स्वामी बनकर चंद्र उच्च का होकर बैठा हो, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग केंद्र या त्रिकोण में होता हो, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग केंद्र या त्रिकोण में होता हो, चंद्र षडबल के अंदर बलवान होता हो, नवांश के अंदर बलवान होता हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर बलवान होता हो, तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है। पत्नी हो तो पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति हो तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, व्यक्ति की वाणी में सुधार होता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव का मालिक है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है। चंद्र मन का कारक है, इसलिए चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति मन से प्रसन्न, आनंदित और खुशी से रहता है। चंद्र यात्रा का कारक है, इसलिए चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करता है, घूमता फिरता है और सर्व सुखों की प्राप्ति करता है, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यश जस कीर्ति प्राप्त करता है। ठीक इसके अपोजिट चंद्र दूसरे भाव का स्वामी बनकर नीच का होकर बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युति करता हो, षडबल में बलहीन हो, नवमांश के अंदर नीचका हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पीड़ित हो, तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को कुटुंब के सुख में कमी आ जाती है, कुटुंब के साथ मतभेद, टकराव, खिटपिट बढ़ने लगती है, व्यक्ति धन की बचत नहीं कर पाता, उसकी बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन घटने लगती है, व्यक्ति की वाणी में कटुता बढ़ने लगती है, व्यक्ति बहुत परेशान रहने लगता है, हताश उदास, हताश निराश रहने लगता है और डिप्रेशन में जाने लगता है। चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति के माता के सुख में कमी आने लगती है या फिर माता से वियोग होता है, जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनता है। चंद्र काल पुरुष की कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी है, इसलिए चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो उसमें दिक्कतें आती है, अड़चने आती है और लक्ष्मी की कमी के वजह से वो मकान या वाहन खरीद नहीं पाता, क्योंकि चंद्र लक्ष्मी का कारक भी माना गया है। अभी हम और एक तरीका देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो राशि में बैठा होगा, जो भाव में बैठा होगा, उसी भाव को लग्न बना दिया जाए, जिसे हम दशा कुंडली कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल चंद्र मेष राशि में बैठा है तो हम लोग पूरी कुंडली को घुमा देते हैं, चंद्र को लग्न में रख देते हैं या और मेष राशि को लग्न में रख देते हैं। तो अभी प्रेडिक्शन कैसे किया जाए,
फॉर द एग्जाम्पल दसम भाव के अंदर मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो प्रेडिक्शन कैसे किया जाए? चंद्र की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति नौकरी के अंदर पद की प्राप्ति करेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, समाज के अंदर कोई पद की प्राप्ति होगी और मान सम्मान की वृद्धि होगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर उच्च का होकर शशियोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो प्रेडिक्शन कैसे किया जाए? चंद्र की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतरदशा आती है तब व्यक्ति का विवाह न हुआ हो तो शादी हो जाएगी, पत्नी से लाभ होगा और पार्टनरशिप के व्यापार में कोई कार्य करे तो उसे सफलता प्राप्त होगी, उसे समाज के अंदर मान सम्मान की वृद्धि होगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। मैं जो पिछले 25 साल में अनुभव कर रहा हूं वो आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो चंद्र की 10 साल की महादशा होती है तो उसके दो हिस्से कर दिए जाए और हर हिस्से में 5 साल का समय आता है, तो जब पहला 5 साल का हिस्सा आता है तब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल मिलता है, और दूसरे हिस्से के अंदर चंद्र की जो राशि कर्क है वो जहां बैठी होगी उस भाव का फल मिलता है। यही बात को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा। मान लो जैसे चंद्र दसम भाव में बैठा है तो चंद्र की महादशा के जो पहले 5 साल आएंगे तभी 10वें भाव का फल मिलता है, और चंद्र की महादशा के जो दूसरे 5 साल का समय आता है तभी कर्क राशि दूसरे भाव में बैठी है तो दूसरे भाव का फल मिलेगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव का स्वामी बनता है, इसलिए चंद्र की महादशा के अंदर चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है उसका भी फल मिलता है। अगर आपको मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में काफी डीप में जानकारी हासिल चाहिए कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर महादशा का फल कैसे देखा जाता है, तो आप लेक्चर नंबर 357, लेक्चर नंबर 358, लेक्चर नंबर 359, लेक्चर नंबर 360, ये 4 लेक्चर अवश्य देखें तो आपकी महादशा की जानकारी का बहुत नॉलेज बढ़ेगा, उसमें काफी डीप गहन नियम मैंने बताए हैं। अभी हम जानते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र मारक बन के 10 साल की महादशा लेके बैठता है, तो ये 10 साल खराब नहीं जाएंगे। जब भी मिथुन लग्न की कुंडली के कारक ग्रहों की अंतरदशा आएगी तो वो बहुत अच्छा फल देती है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर कारक कौन कौन है, तो लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और भाग्येश शनि, ये तीनों तीन कारक ग्रह है। तो चंद्र की महादशा के अंदर जब भी बुध की अंतरदशा, शुक्र की अंतरदशा और शनि की अंतरदशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। उसके बाद गुरु की महादशा का भी अच्छा फल मिलते देखा गया है, क्योंकि चंद्र और गुरु एक दूसरे को मित्र मानते हैं। चंद्र गुरु जब साथ में बैठता है तो गजकेसरी योग बनता है, तो चंद्र की महादशा के अंदर गुरु की अंतरदशा का फल भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो दो केंद्र का मालिक है, सिर्फ उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्र की महादशा के अंदर चंद्र की ही अंतरदशा आए तो उसे शुभ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मारक की महादशा में मारक की अंतरदशा को शुभ नहीं मानते। चंद्र की महादशा के अंदर मंगल की अंतरदशा आएगी वो भी शुभ फल नहीं देती, क्योंकि मंगल भी कुंडली का मारक है। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर चंद्र पीड़ित हो तो कौन से उपाय करने चाहिए? ओम ह्रीम चंद्राय नमः के रोज 108 जाप करने चाहिए जब तक चंद्र की महादशा चल रही है। नंबर 2, चंद्र की लगती चीजों का आप दान कर सकते हो। चंद्र शिव जी के सर पे रहता है इसलिए देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना कर सकते हो, महामृत्युंजय के जाप कर सकते हो, लोगों को पानी पिला सकते हो। लेकिन याद रहे, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र का रत्न मोती गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।